नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रेलवे में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर मुंबई में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। माटुंगा और दादर के बीच रोकी गई ट्रेन, 30 ट्रेनें रद्द। 20% कोटा हटाकर स्थायी नौकरी देने की है मांग। लोकसभा में आज आ सकता है मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस ने दिया है नोटिस। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की है मांग। कर्नाटक में लिंगायत मुद्दे पर आर पार। सरकार ने लिंगायत समुदाय को धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा देने का किया फैसला। बीजेपी का आरोप, हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है कांग्रेस। लिंगायत पर जारी घमासान के बीच आज से कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। 2 दिनों के दौरे में करेंगे कई कार्यक्रमों में शिरकत। विक्रम सिंह मजीठिया के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी और कपिल सिब्बल से मांगी माफी। सीएम केजरीवाल के माफी मांगो अभियान के खिलाफ कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। केजरीवाल के घर का घेराव करेगी पार्टी। दिल्ली के वसंत कुंज थाने के बाहर जेएनयू छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। आरोपी प्रोफेसर अतुल जौहरी की गिरफ्तारी की है मांग। 8 छात्राओं ने लगाया है छेड़छाड़ का आरोप। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलेंगे योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर। बीजेपी का साथ छोड़ने की दी है धमकी। कहा सरकार 325 सीटों के नशे में हो रही है पागल। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बढ़ेगी मुश्किल। पत्नी के आरोपों पर आज कोलकाता पुलिस करेगी पूछताछ। हसीन जहां ने लगाए हैं मारपीट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप। आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देंगे पद्म अवार्ड। अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 84 लोगों को दिया जाएगा अवार्ड। और मामूली बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 39 अंकों की उछाल। निफ्टी 10,103 पर कर रहा है कारोबार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।